नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशील नावडकर, आपका स्वागत करता हूँ और एक वीडियो में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगती है कि स्पोर्ट्स CNG में होनी चाहिए थी, तो इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्रैंड आइटेनियोस में होनी चाहिए थी। स्पोर्ट्स CNG जो है अपनी, उसकी प्राइस है 8.5 लाख इन महाराष्ट्र। उसमें एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूडेड रहेगी, RSC रहेगी। जो डीलर आपको कोटेशन देता है वो लगभग 8.5 लाख का रहता है। तो उस प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रैंड आइटेनियोस में कंपनी ने देना चाहिए था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। इस प्राइस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ी आती है उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स में या फिर ग्रैंड आइटेन में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके हाइट मोर देन 5'10" है उसको एडजस्टेबल हेडरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे मेरे जैसे नेक कुशन यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा लगता है फीचर्स की जो कंपनी ने कंसिडर करना चाहिए था। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट लाते हैं या नहीं। दोस्तों, सेकेंड नंबर पे है पुश स्टार्ट बटन। गाइस, नियोस बोले तो मोर, हुंडई ने स्पेस तो बढ़ा दी है, लेंथ बढ़ा दी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पुश स्टार्ट बटन वो नहीं है। इसे स्पोर्ट से लगभग टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल में पुश स्टार्ट बटन होना ज़रूरी है। मुझे लगता है और 10,000-15,000 बढ़ा दिया होता तो भी चलता, लेकिन पुश स्टार्ट बटन स्पोर्ट्स में उन्होंने डेफिनेटली देना चाहिए था। अर्लियर जो ग्रैंड आइटेन थी उस स्पोर्ट्स जो मॉडल था उसमें पुश स्टार्ट बटन आता था, लेकिन ये स्पोर्ट्स मॉडल में पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी ने यहाँ कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली की है, लेकिन अगर 8.5 लाख प्राइस पे कर रहे हैं तो आपको पुश स्टार्ट बटन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हो। दोस्तों, थर्ड नंबर पे है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। यहाँ आप देख सकते हो आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको, उसकी कमी आपको महसूस होगी। आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने ये भी सोचना चाहिए था कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जाते तो ये गाड़ी और बहुत अच्छी लगती। दोस्तों, फोर्थ नंबर पे है बूट स्पेस। अभी अपना जो गाड़ी है स्पोर्ट्स CNG, उसमें आप दो ही आपकी जो लैपटॉप बैग है वो रख पाओगे, ज़्यादा सामान उसमें आप कुछ नहीं रख पाओगे। अगर 3-4 इंच और जो अपना सिलेंडर है, CNG टैंक है, वो एडजस्ट किया जाता तो आप 2 सूटकेस रख पाते, तो ये एक परफेक्ट फैमिली कार बन जाती। अभी भी परफेक्ट फैमिली कार है, लेकिन जब आप कहीं टूर पे जाओगे या फिर आप आपके दोस्तों के साथ निकलोगे, 4 लोग होंगे, तो जो आपका सामान है वो आपके बूट में नहीं बैठेगा। तो गाड़ी खरीदते वक्त ये ध्यान में जरूर रखिए कि स्पोर्ट्स CNG में आपको बूट स्पेस ना के बराबर मिलेगा। फिफ्थ नंबर पे है आर्मरेस्ट। ये गाड़ी टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल के हिसाब से आपको आर्मरेस्ट होना चाहिए। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो तो आपको आर्मरेस्ट की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। हाँ, डेफिनेटली आप एक्सटर्नल इसे लगवा सकते हो, एक्सेसरीज में आप डीलर से या फिर कंपनी से लगवा सकते हो, लेकिन अगर इनबिल्ट आर्मरेस्ट मिलता तो बहुत अच्छा हो जाता। दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 चीज़ें ऐसी है जो स्पोर्ट्स CNG में मिलनी चाहिए थी। ये टॉप मॉडल है, नियोस बोले तो मोर, इसका प्राइस 8.5 लाख है, तो उस हिसाब से ये 5 चीज़ें आपको डेफिनेटली ये गाड़ी में मिलनी चाहिए थी। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और वो स्पोर्ट्स CNG में आनी चाहिए थी? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।